हाय दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आप जैसे ये फॉल सीलिंग देख रहे हैं इसके ऊपर वॉल पुट्टी कैसे अप्लाई करते हैं और सैंडिंग कैसे करते हैं। दो कोट की पूरी प्रोसेस मैंने बताई है। तो दोस्तों खास तौर पर ये मकान मालिक को तो सिर्फ नॉलेज के लिए है, पर जो हमारे पेंटर भाइयों हैं उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको अगर आइडिया नहीं है तो वो समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। और आप देख सकते हो हमने फाइनल करके जो पेंट करके किया था उसका एक इमेज लगाया है, आपको आइडिया लगे कैसे अच्छे से किया है इसके अंदर अभी काम था। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने बिरला वाइट वॉल पुट्टी यूज़ की है, ये कैसे मिक्स करते हैं ये पूरी प्रोसेस है। दोस्तों इसके लिए हमने ये जो अलग अलग हाथ से धीरे धीरे डाले, जिसकी मदद से पहले हमने पानी डाला था बाउल में और वो मिक्सिंग अच्छे से किया है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली सारे पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों ये हमने पहले डाल दी है, अंदर पानी डाल के रखा था, ये पुट्टी कैसे बनाते हैं वो है। इसके लिए भी हम पूरी एक अलग से वीडियो बना के आपको बताएंगे, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस एक लंबी सी है और आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप ये घर पे भी बना सकते हो कहीं पे टच वगैरह कुछ करना है तो। तो दोस्तों ये हमारी मेन थी, ये हमने ऑलमोस्ट देखो आप अच्छे से करा है, फिर अच्छे से मिक्स करना है ये पूरी, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने इसके अंदर ऐड नहीं की है पुट्टी कैसे मिक्स करती है। ये तकरीबन आधा एक मिनट की वीडियो है, आप देख लोगे तो आपको ये पूरी नॉलेज हो जाएगी। ये हमने कर ली है और अच्छे से इसे गूंथना है। सॉरी दोस्तों जो हमारी हिंदी थोड़ी मतलब मेरी हिंदी थोड़ी कम है तो आपको समझना है, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। ये अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और उसके बाद हम इसके ऊपर अप्लाई करना चालू करेंगे। अप्लाई हम ये दो लापे करने के पत्रे उसके मदद से कराऊँ। दोस्तों मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा कारीगर कर रहा है, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और आपको समझा रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। बीच में मैं कभी बोल दूँ कि ये मैं कर रहा हूँ तो आप समझ जाना कि मेरा कारीगर कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हमें लगानी है स्टेप बाय स्टेप, जिस तरफ से खींचो इस तरफ से, और ये ऐसी में जॉइंट्स आते हैं तो जॉइंट्स के लेवल की हमें लगानी है। जैसे वाइट आप देख रहे होगे ये जॉइंट्स वगैरह है, उसके लेवल की लगानी है। ये हमने CGS POP पुट्टी की सीलिंग थी उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। POP में भी बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि CGS POP है, फिर जिप्सम आती है POP, जिप्सम की सीलिंग होती है, उसके बाद जो वुड फ्रेम से होती है, उसके बाद अभी तो लेटेस्ट फाइबर वगैरह कुछ की बनती है वो सब। तो जैसे हमारी सीलिंग है उस हिसाब से मटेरियल यूज होता है और आगे जो पुट्टी का वर्क है वो भी होता है। तो दोस्तों ये हमने ऐसे किया है और आप ये करने के बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। तो दोस्तों ये अब देख सकते हो, मैंने पूरा पार्ट तो बताया नहीं है कि पूरी सीलिंग में कैसे करते हैं, पर आपको नॉलेज रहे इसलिए छोटा से पार्ट में हम कर रहे हैं, वो वीडियो मैंने शूट की है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे करने के बाद हम इसे आगे की प्रोसेस करेंगे। ये छोटा सा मैंने एक दो मिनट का क्लिप लगाया है, पूरी वीडियो में इसके लेने जाता तो बहुत लंबी हो जाती थी, ये आपको नॉलेज रहे इसलिए मैंने ये पार्ट किया है। नॉर्मली है दोस्तों, जैसे दीवार पे करते हैं वैसे ही करनी है, नॉर्मल सीलिंग पे हम जैसे पुट्टी करते हैं वैसे ही, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इस पर ज़्यादा प्रेशर से नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से करोगे तो हमारी शीट वगैरह क्रैक या टूट सकती है। तो दोस्तों हमने कर लिया है, इसके बाद हम इसे सेंड कर रहे हैं। सेंड करने के लिए सबसे पहले इस हमने रफ की थी तो उसके वजह से 220 नंबर सेंड पेपर यूज़ कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर भी हमें एक और कोट लगाना है। और याद रखना दोस्तों ये इसका सेंडिंग में पेपर की लाइंस ना आए वैसे करना है, क्योंकि लाइंस आएगी तो फिनिशिंग नहीं आती। और ये जो हमने पहले मकान मालिक से बात करके ये जो फैन के डंडी वगैरह कुछ है वो निकालने के लिए बोल दिया था। तो दोस्तों सेंडिंग का पार्ट भी हमारा होता है, 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं। पूरी ये 12x14 की पूरी वॉल्स फॉल सीलिंग थी उसकी मदद से करने के लिए। तो दोस्तों सैंडिंग हमने जैसे बताया वैसे कोने को अच्छे से ध्यान रखना है, कोना कट ना हो या मोल्ट ना हो जाए। आप देख रहे हो मेरा कारीगर अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो घिस रहा है, क्योंकि ये जो घिसाई होती है जो इसके बाद जो लेयर लगेगी वो एकदम पतली लगेगी वॉल पुट्टी की, इसी में जो फिनिशिंग आएगी वो अच्छे से आएगी। फॉल सीलिंग जो किया है उसे मतलब क्लियर करना चाहिए, और उसके बाद मैंने पूरा कारीगर के बोल से झाड़ू से साफ़ करवा दिया है, क्योंकि डस्ट वगैरह निकल जाए और उसके बाद हमारी जो पुट्टी है सेकंड कोट वो अच्छे से लग जाए। तो दोस्तों अब ये हम सेकंड कोट चालू करवा रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हो ये मैं छोटा सा पार्ट लिया बीच का, उसमें सेकंड कोट कैसे लगाते वो दिखाऊँगा और उसके बाद सेंडिंग करके आपको वीडियो कम्प्लीट करूँगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हो वैसे दूसरे कोट में भी वैसे लगाना ही है, एकदम पतली से लगानी है, मोटी नहीं करनी, और बॉर्डर वगैरह भी ध्यान रखनी है कहीं पर चुक ना जाए और अच्छे से फिनिशिंग आए।
तो दोस्तों ये आप ध्यान रखना, आप मकान मालिक हो तो आपको हो सके तो सामने खड़े रह के ध्यान रखना है कि लापी अच्छे से लगा रहा है और कहीं पे छोड़ नहीं रहा है, और हाँ फॉल सीलिंग पे ज़्यादा प्रेशर से नहीं लगा रहा है, क्योंकि हो सकता है कहीं पे ज़्यादा प्रेशर हो और जो ऊपर जो सीट लगी है वो कमज़ोर हो तो वहाँ से क्रैक हो सकती है और आपका खर्चा बढ़ सकता है। तो दोस्तों हमारे पेंटर भाई को ये सलाह है कि आप भी ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए और ऐसे ही करके पूरे में आप कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का ख़ास तौर पर यही था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कई पेंटर भाई है जो नए इस फील्ड में आए तो उनको शायद अंदाजा नहीं होता है कि फॉल सीलिंग पे कैसे पुट्टी करते हैं या फिर काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस आप कर सकते हो नॉर्मली, अब इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पहली बार फॉल सीलिंग का किया था तब भी मेरे मन में ये डर था कि मैंने अभी तक कभी किया नहीं है फॉल सीलिंग का और ये मेरे पास काम आया, मैं कैसे करूँगा। पर कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई, आराम से हो चुका है और फिनिशिंग भी अच्छी आई थी हमारी। बस मन से एक बार डर निकालोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों यही हमारी पूरी प्रोसेस है फॉल सीलिंग करने के लिए। आप बॉर्डर भी देख सकते हो मैंने कैसे अच्छे से बनवा रहा हूँ। ये करने के बाद जो हमारी फाइनल होगी, याद रखो दोस्तों पुट्टी में ऐसा होता है, इसको करने के बाद 4 घंटे सूखने देना पड़ता है, फिर सैंड कर सकते हो। सैंड करने के बाद अच्छे से साफ करो, फिर दूसरा कोट लगाओ। तो दोस्तों हमने दूसरा कोट भी आप देख सकते हो वैसे कंप्लीट कर लिया और इसको हम फिर से सैंड करें आपको दिखाने के लिए। यही पूरी प्रोसेस है दोस्तों। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों ये अभी हमने सैंडिंग किया है, सैंडिंग करने के बाद हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी। तो ज़्यादा कुछ था नहीं दोस्तों इसमें आपको समझने के लिए, पेंटर भाई हो आप भी अच्छे से समझ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ आपको कोई भी डाउट हो कि लगे नहीं भाई मेरे से ये नहीं हो रहा है, या मकान मालिक हो को आपको लगे कि मेरा आया कारीगर या कॉन्ट्रैक्टर हो ऐसे कर नहीं रहा है अच्छे से, तो हमें कमेंट में बताइए क्वेश्चन में, आपको पूरी जल्दी से रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा और उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो दोस्तों ये हमने पूरा ट्यूटोरियल आपको बताया है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करना ताकि आने वाली सारी पेंटिंग के रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँच जाए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।